फर्नीचर दिया, कार दिया, स्पॉन्सर हमारे पास बहुत। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेशी। पंडित जी बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो दर्शकों, जैसे कि ज्योतिष लाइव में हर बार हम कहते हैं कि बात होती है, चर्चा होती है आगामी व्रत और त्यौहार पर, और बात की जाए अगर आगामी त्यौहार की तो आगामी जो समय है, जो मौका है, जो पर्व है, और वो है काल भैरव जयंती का। पंडित जी सही हूँ मैं इस बार? नहीं, आप गलत कभी नहीं होती है, ध्यान नहीं रखती बस इतना है। जी इस बार ध्यान है। हाँ। तो इस बार मुझे ध्यान है, यानी कि मैंने आपको सही जानकारी दी, काल भैरव जयंती है। और क्या कुछ महत्व है इसका, किस तरीके से इसको मनाया जाता है, विस्तार से जानेंगे हम पंडित जी से। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं क्या है काल भैरव जयंती। भगवान शिव को सभी लोग जानते हैं जी, जिनका तनक भी अध्यात्म में रुचि है वो भी काल भैरव को जानते हैं जी। काल भैरव और कुछ नहीं है, भगवान शिव का ही एक दूसरा जी, रूप है। जी जी अष्टमी के दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में काल भैरव जी का उत्पत्ति मानी जाती है जी। जो भाग्य में नहीं है वो दे सकते हैं जी, तंत्र मंत्र और यंत्र के देवता है जी। आपके घर में कलह हो रही है, आपके पति पत्नी के बीच में रिश्ते खराब हैं, पिता पुत्र के रिश्ते खराब हैं, माता के बहन के जो भी परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते खराब हैं, आपको लगता कि पार्टनर कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बेईमानी कर ले या बेईमानी कर रहा है, गलत केस में आप सरकार ने आपको फंसा दिया है जी, आपके साथ में उत्पीड़न आपके रिश्तेदार या शासन कर रहा है, काल भैरव ही आपके रक्षक है जी। उनकी उपासना, उनकी साधना बड़ी सरल है और जब व्यक्ति करता है तो संकट से मुक्त हो जाता है जी। तो तमाम व्याधियां आपने बताई और उपासना सरल है, लेकिन क्या विधान है इस उपासना का, हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ा सरल है जी, पहले अपने देश के अंदर तरह तरह के पुष्प होते थे, काला गुलाब भी होता था जी, अभी भी एग्रीकल्चर या बॉटनिकल गार्डन में मिल जाते हैं, लोगों ने घर पर भी लगाए हैं जी, जो शौकीन पीले है वो गुलाब, करते हैं, सफेद बिल्कुल गुलाब, बिल्कुल काले गुलाब घर पर भी लगाए हैं, ये आपके शौक की बात है। कई जगह पर तो भैरव जी को शराब पिलाई जाती है जी, और कुछ लोग तो इस बात पे चौंकते भी हैं जी। हाँ, उज्जैन में मां काल भैरव का मंदिर है जी, और कच्ची शराब का बगल में दुकान है, प्रसाद की दुकान है। हाँ। जी, वहां से आप लाइए बोतल से उनको चढ़ाइए। हमारे एक मित्र थे, नाम मैं उनका नहीं बताऊंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। जी जी हम उनके साथ में दर्शन करने गए, उनको बोतल उनके मुंह में लगाई मूर्ति के जी, और वो पूरी प्रसाद अर्पित किया और और फिर मूर्ति खुद चली गई, उन्होंने पूरी पी ली जी ने। जी अच्छा जी जी ये कौतूहल है लोगों के लिए, हाँ, इसलिए और लोग ज्यादा जाते हैं। फिर पुजारी जी जो है प्रसाद देते हैं जी, अब आप पिए तो मुसीबत, न पिए तो मुसीबत, क्योंकि प्रसाद है प्रसाद है जी, या तो आप जाते नहीं। तो पुजारी जी ने हमको देख के मुस्कुराया क्योंकि उन्हें एक चुनौती नजर आ रही थी कि अब ये कैसे होगा, ये आगे क्या क्या करना? होगा। जी जी हमने उनको लिया, हमको हाथ में दिया जी,
और शायद शराब मैंने पहली बार कच्ची या पक्की जो भी होगी जिसको मैंने हाथ से छुआ होगा, जी और वही उनको अर्पित कर दी। हमने कहा प्रभु आपका सम्मान मैंने सुरक्षित रखा, कर्म से मन से और जात से दोनों से मैं सबसे मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं मेरे संस्कार में नहीं है ये सब कुछ पीना, और प्रसाद का अपमान नहीं कर सकता था इसलिए प्रसाद को वहीं अर्पित कर दिया आपको जी। लेकिन सब जगह नहीं चढ़ती है। अच्छा जी जी, तो इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं तो वो भी प्रसन्न कर सकते हैं। हाँ, नहीं, वो वह ही साधना को ठीक कर सकते हैं। जी जी, जैसे आप तमाम सारे लोगों का आह्वान करते हैं, उनका भी आह्वान करेंगे लेकिन आह्वान करेंगे मध्याह्न में जी, सुबह नहीं। नहीं, कई लोगों को हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं किस देवता की किस समय पूजा करें वही फलीभूत होगी। लेकिन अमूमन माना जाता है कि सुबह सुबह ही पूजा करनी हाँ, चाहिए हर देवता, क्योंकि उनको सुबह सुबह ऑफिस जाना है। हाँ, तो बोले वो पूजा करके चले जाएंगे, शुरुआत काम निपटाया, जिनका शुरुआत कर लेंगे। एक आपने काम की तरह से उसको निपटाया, साधना की तरह से नहीं निपटाया। वो आपने किताब पढ़ ली, और ये आप गलत फहमी में न रहे, अगर आपने धोखे से कोई जहरीला पदार्थ खाया तो उसका असर होगा, जानबूझ करके खाया तो उसका असर होगा, छोटे ने खाया, उद्योगपति ने खाया, संत ने खाया, किसी ने भी खाया, सब का असर होगा, क्योंकि उसका गुण धर्म है जी जहरीले पदार्थ का। तो इसी प्रकार से साधना के ऋणात्मक और धनात्मक पक्ष दोनों हैं। साधना आपको केवल लाभ देती है ऐसा नहीं है। कई लोग आपको देखेंगे कि बोले बोले साहब ये बहुत पूजा करते थे पागल हो गए जी। कहीं नहीं कि ये साधना की दिशा आपकी भ्रमित हो गई है और गलत ट्रैक पर आप चले गए, जिसके कारण से मानसिक विकृत भी हो सकते हैं। आपको साधना क्यों करनी है, अपने भौतिक लाभ लेने के लिए, दूसरे को नुकसान देने के लिए, या सत्य की खोज के लिए? जी, तीनों के उद्देश्य अलग अलग है। अगर आपने साधना सत्य की खोज के लिए की है तो कभी नुकसान नहीं करेंगे जी, क्योंकि उसमें ना तो अहंकार है, ना वासना है, ना लोभ, किसी चीज की कामना है कुछ प्राप्त करने की। जी जी, और अपने के लिए भी की है, और आपको सिस्टम ठीक से पता है कि किस समय साधना किसकी करनी चाहिए। अभी मैं किसी के यहां बैठा था तो उनका राहु का पूजन हो रहा था, तो मैंने उनसे पंडित जी से पूछा कि आप कैसे कैसे क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे मुझे सुबह टाइम मिल जाता कभी तो मैं सुबह आ जाता हूँ जी, 5-6 बजे में कर देता हूँ, कभी शादी ब्याह हुए तो रात को कर देता हूँ अपनी सुविधा अनुसार। तो हमने कहा राहु जी आपके सुविधा के अनुसार आ जाते हैं। बोले वो तो मुझे पता नहीं। राहु का पूजा प्रातः 7:30 से पहले नहीं होती है, और शाम को 6 बजे के बाद नहीं होती है जी। राहु काल में ही राहु के पूजन होता है, तो जब जिसका जो काल खंड है और जिस समय जिस दिन राहु काल है उस समय अगर आप प्रारंभ करते हैं तो राहु का पूजन आपके लिए विशेष लाभदायी देगा। इसी प्रकार से देवी देवताओं का, भगवान के शिव का जो पूजन का समय है वो प्रदोष काल है, उस समय पूजन उनका विशेष रूप से फलीभूत होता है जी। संकल्प और सवेरे आप जल जो भी करते हो तो आप दैनिक
क्रिया में आप करिए, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में नहीं करते हैं तो आपका फलीभूत नहीं होगा। जैसे कुछ पूजा निशा काल की है, कुछ पूजा महानिशा काल की है, आप उस समय करेंगे। काल भैरव में यह है कि सुबह नहीं है, मध्याह्न से आप पूजा करेंगे और रात में भी पूजा कर सकते हैं। उनका वाहन कौन है? कुत्ता जी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कल इतना तो कर ही सकते हैं कि आपकी रोटी जो बनाइए उस पर सरसों का तेल लगा दीजिए, जो आप खाते हैं, हल्का सा नमक लगा दीजिए, दो रोटी काले कुत्ते को खिला दीजिए। जी जी। तो आप देखेंगे अगले 14 दिन के अंदर कोई ना कोई आपको लाभ हो गया है। तो तुरंत लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा ना करिए कि कुत्ता आपको काटने वाला हो। जी। कि उसके मुंह में आप जबरदस्ती वो भयवश आपको आप पर हमला करते। जी, तो ये सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल, सावधानी आपको रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम विशाल मिश्रा है। मेरा जन्म कानपुर का है और मेरी डेट ऑफ बर्थ, डेट का टाइम है वो 1:56। मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरा खुद का मकान कब तक हो जाएगा? खुद के मकान के लिए 24 तारीख यही आ रही दिसंबर की, 24 तारीख के बाद में आपके योग बनना शुरू हो रहे हैं और उसके बाद में अगले 18 महीने के अंदर आपका मकान अपना हो सकता है। जी, यानी कि बिल्कुल सही समय है। चलिए, आपको जो आपकी शंका थी उसका समाधान मिल चुका है। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि हर ईश्वर को, हर भगवान को पूजने का एक समय होता है, हर शक्ति को पूजने का एक समय होता है, राहुल काल के लिए आपने बताया, भोलेनाथ के लिए बताया कि प्रदोष काल का समय होता है, तो क्या माना जाए कि काल भैरव के पूजन का समय भी प्रदोष काल? नहीं जी, दोपहर से लेकर के मध्य रात तक आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। दोपहर से? लेकिन जी बिल्कुल, दोपहर से पहले नहीं। और एक बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम भैरवाय नमः। जी, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं, चार भुजाधारी हैं, काम अर्थ धर्म और मोक्ष चारों को देने वाले हैं। जी, अगर आपका अफेयर नहीं सक्सेस हो रहा हो, करना चाहते हैं, लव जिहाद वाला मामला नहीं है, और उनके यहाँ शायद काल भैरव का पूजन भी नहीं है। जी, दोनों में से कोई नहीं करता क्योंकि वो एक दूसरे में इतने ज्यादा व्यस्त है। जी, तो अगर आपको लगता है कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हैं, दोनों लोग एक साथ नौकरी कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, दोनों लोग बेहतर तरह से रहना चाहते हैं, टाइम पास करने के लिए अफेयर नहीं है, मतलब तो भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हाँ, तो ये हम जानेंगे, लेकिन मैं आपको टोक रही हूँ बीच में, एक कॉलर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो मैडम, मेरा लड़का दीपक जो है वो दीपक जो है कानपुर का है। आप उसके लिए दिशा तय कर लीजिए किस विभाग में उसको नौकरी चाहिए। हम दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में बच्चों से जब पूछते हैं, क्योंकि मैं खुद उस संस्थान का चेयरमैन हूं, तो पूछते हैं, फिर उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पूछते हैं कि आपको ये इस तरह का, ये नहीं कहीं नौकरी लग जाए, ऐसा नहीं है। नौकरी लगाने के लिए आप अगर उनका एक दिशा जो कर्म है, हम हमेशा बात कर्म की करते हैं, कर्म अगर सही दिशा में किया गया तभी आपको सफलता मिलेगी। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है
एक ऐसा विज्ञान है जो कर्म की दिशा तय करता है। जी जी। उदाहरण के तौर पर अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, नौकरी लग सकती थी, लेकिन उनको उनके ग्रह और नक्षत्रों ने उनको एक सन्यासी बना दिया जी। ये उनकी मूल स्थिति नहीं थी, कुंडली को उनको कहीं और ले जाना था, वो राजनीति में आए, मुख्यमंत्री बने और एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हो गए। तो मूल कुंडली का क्या था? एक सफल मुख्यमंत्री का योग। दिशा एकदम अलग अलग है जी। एक विद्यार्थी, उस वक्त कल्पना नहीं की जा सकती थी, एक विद्यार्थी बिल्कुल जिसका पिता खुद नौकरी में हो, फिर वो सन्यासी हो जाए, अपना सारा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दे। और सन्यासी का क्या काम राजनीति से? वो धर्म तो सत्ता से ऊपर है, धर्म की ताकत सत्ता से ऊपर है, लेकिन नहीं, उनको लगा शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ होना चाहिए, यानी ताकत जो सत्ता की है वो भी साथ में होना चाहिए, धर्म एक साथ अगर होगा तो उसके बेहतर रिजल्ट होंगे जी। और उन्होंने बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये कर्म आप किस दिशा में कर रहे हैं, ये दिशा का बोध होना बहुत जरूरी है, और वो बोध होने की विद्या का नाम है ज्योतिष। और कहीं ना कहीं मंशा भी अच्छी होनी चाहिए। कर्म करें जी, नहीं तो आप तमाम जगह भटक जाते। तमाम लोग पहले नौकरी के लिए जाते, फिर नौकरी नहीं मिली। मुझे याद है हमारा जहाँ रतनलाल नगर में मकान है, उसके 18 MIG मकान का नंबर मेरा है, उसके ठीक पीछे एक नंबर है जी, अनिल सचान लड़का, और उसका एक दूसरा अनिल सचान ही दूसरा उसका दोस्त था जी। और दोनों मेरे पास आए कि अंकल बताइए मैं क्या करूं। तुमने कहा नौकरी के लिए तुम करोगे और क्या करेगा, दोनों इलाहाबाद में पढ़ते थे। एक लड़का बैंक की नौकरी में आ गया, दूसरा लड़का बैंक की नौकरी में नहीं आया। निराश होकर के फिर उसने कहा, हमने कहा तुमको तो बैंक की नौकरी में आना ही नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा तुम्हें तो IAS बनना है। बोले बैंक की नौकरी में आए नहीं, IAS क्या बनेंगे, बैंक तुम नहीं मिल नहीं पा रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। बैंक में साधारण बाबू की नौकरी के लिए प्रयास किया, अधिकारी के लिए नहीं किया। खैर उसको बात कुछ लग गई होगी, या उसके उसने कर्म उस दिशा में करना शुरू कर दिए, कर्म का दिशा बदली और उसने परिश्रम करना शुरू कर दिए IAS के लिए, और IAS में वो सेलेक्ट हुआ जी। और उसे पहले उसे आसाम कैडर मिला, फिर दिल्ली में ही आया। क्या बात है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है काफी हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता जो सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे इससे, और उनको भी दिशा मिलेगी। देखिए, आप लगातार कहते हैं कि मेहनत का विकल्प नहीं होता। पंडित जी, आप बता रहे थे कि जिस तरीके से जो सच्चा प्रेम है, अगर सच्ची भावनाएं हैं, तो उसको पाने के लिए क्या कुछ उपाय? हम जब अपने देव के प्रति बेचैन हो जाते हैं जी, देव भविष्य की चीज नहीं है कि आपको भगवान अगले जन्म में मिल जाएंगे, इस जन्म में नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म में मिल जाएंगे। हमको प्रेमी इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिल जाएगा, भविष्य का ये मामले नहीं है, ये वर्तमान के मामले हैं। वर्तमान में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर वर्तमान में फिर से प्रयास करिए और वर्तमान में ही रहिए जी। जब आप भविष्य के सपने देखते हैं और भविष्य पर निर्भर हो जाते हैं, तो आपका वर्तमान भी चौपट हो जाता है और भविष्य भी चौपट हो जाता है, और निश्चित तौर पर ये कोई भी नहीं। और ज्योतिष बार बार आपसे कहता है कि भविष्य आपका तब ठीक होगा जब आप वर्तमान में रहना और जीना सीखें जी। ईश्वर भी आपको जब भी मिलेगा तो वर्तमान में ही मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मीरा जी को ले लीजिए,
छोटी सी बच्ची, और उसकी माँ कहती है कि ये तेरी मूर्ति, यही तेरा पति है जी। उसने उसको वर्तमान में ही स्वीकार कर लिया, यही मेरा पति है। माँ ने जरा सा कहा और उसने मान लिया, मान लिया। एक बारात जा रही थी, एक दूल्हा, उसने नहीं, उसने कहा कि मम्मी, माँ से जो भी संबोधन किया हो जी जी, ये मेरा दूल्हा कहाँ? बोले तेरा दूल्हा ये। उसने उसको अपना दूल्हा मान लिया और आज हम सभी जानते हैं। और मीरा उसी मूर्ति में समाई, विज्ञान के लिए चुनौती थी, जो कुछ भी जिंदगी में उनके साथ घटा है वो सब कुछ विज्ञान से परे था। एक परिवार पत्थरों में बांध करके नदी में फेंक दे, बहुत सारे लोगों के साथ में जहर का प्याला दे दिया जाए, बिल्कुल ये सब कुछ विज्ञान से परे था। और उस बालिका ने ठान ली थी कि मैं इसको इस मूर्ति में ही आमने सामने का साक्षात्कार करूंगा, किया जी, असंभव को संभव किया। यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता बोल रही हूँ कानपुर से। नमस्कार अर्चना जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं और पंडित जी से सवाल। मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मुझे ये पूछना है, मेरी शादी के 5 साल हो गए, मुझे अभी भी बच्चा नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमारे समझ में नहीं आया, आप अपना सवाल दोहराएंगी क्या? आवाज ही नहीं क्लियर आ रही। 5 साल शादी के हो चुके हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरी शादी के 5 साल हो चुके हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता क्या है, तो क्या नाम से सर मुझे कुछ बता सकते हैं? जी पंडित जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, शादी को 5 साल हो गए हैं, संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ अभी। मैम क्या बताया उन्होंने? अर्चना, अर्चना गुप्ता, अर्चना गुप्ता जी। अर्चना जी, हाँ जी, आपके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है और ये प्रकृति से लेना शुरू कर दीजिए, गोलियों से नहीं। सुबह जब सूर्य निकले तो नहीं? सुबह ही सूर्य निकलेगा, रात को तो निकलेगा नहीं अपने देश में जी। जब सूर्य सुबह प्रातः काल निकले तो आप सूर्य के सामने बैठ जाइए, बिना ब्रश किए, बिना कुछ किए। हथेली में जितने थोड़े से तिल आ सकते हो, काले वाले, उनको चबाती रहिए। ये 15 मिनट की प्रक्रिया कल से प्रारंभ कर दीजिए और होलिका दहन तक करती रहिए। पहले आज आप टेस्ट करा लीजिए किसी लैब से कि आपके शरीर में, स्त्री रोग विशेषज्ञ से, कि आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, है ना? और जब ये कर लेंगे तो 2021 में आप मां बन जाएंगे जी। तो रोजाना 15 मिनट की सिर्फ ये प्रक्रिया, निश्चित तौर पर आप काफी परेशान रही होंगी और उसके बाद आपने सवाल किया है, लेकिन देखिए हमारी यही कामना है, दुआ भी हो और उपाय भी, पंडित जी ने बताया, निश्चित तौर पर आपको जल्द से जल्द संतान का सुख प्राप्त होगा। अब पंडित जी बहुत सारी बातें हो रही हैं और बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसलिए कहीं मत जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इटावा, सरकारी समितियों के माध्यम से 3% ब्याज दर अल्पकालीन ऋण की सुविधा, एटीएम और एटीएम वैन की सुविधा, आरटीजीएस, एनईएफटी एवं आईएमपीएस की सुविधा, वेतनभोगी व्यक्तियों को विभिन्न योजना अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, निक्षेपों पर आकर्षक ब्याज दरें, इटावा और औरैया के सभी खातेदारों को मिलेगा सुविधा का लाभ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित, दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का
का विश्व स्तरीय इलाज। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को मोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तर भारत का उत्तम ब्रांड हाकिम स्टोरवेल पाउडर कोटेड रस्ट प्रूफ अलमीरा, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित, 10 वर्षों की फुल गारंटी। अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले। मेन इन ब्लू टकराएंगे अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से, सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। आयरन एंड स्टील गेट स्पेशलिस्ट एंड मैन्युफैक्चरर MN Enterprises। हमारे यहाँ हर तरह के फैंसी गेट, महाराजा गेट, ग्रिल, मेम्ब्रेन दरवाजा, PVC डोर्स, प्लास्टिक दरवाजा, SS ग्रेट ग्रिल आदि बनाए जाते हैं। संपर्क करें MN Enterprises, आशा नगर, नवस्था, नियर चित्रा डिग्री कॉलेज, 9918906349, 8299747800। अब एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस किसे नहीं पसंद? 9 नेचुरली सॉफ्ट। भव्य उद्घाटन सारा गार्मेंट्स, नसीमाबाद घुमटी नंबर 5, जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, जॉगिंग्स, शर्ट पैंट, लेडीज वेयर की हर वैरायटी उपलब्ध है। सारा गार्मेंट्स, मोबाइल नंबर 6306816315। उन्नाव बालाजी रोड झांसी, एक अनोखी सोच, 2 BHK, 3 BHK विलास और प्लॉट्स 800 से 2000 स्क्वायर फीट तक, शानदार डुप्लेक्स भी। सन सिटी आपके सपनों की दुनिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, प्लेग्राउंड, मॉडर्न क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, 24 आवर CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, पावर बैकअप, फुल टाइम वाटर सप्लाई, साथ ही साथ ICICI HDFC बैंक से फाइनेंस की सुविधा। बुकिंग के लिए संपर्क करें मेट्रो टावर, जीवन शाह, एलाइट चौराहा, झांसी। सुबह सुबह की पहली खबर से लेकर देर रात तक हर घंटे हम रखते हैं आपको खबरों से सजग, जो होती हैं सार्थक और जिनकी बुनियाद है सत्य। खबरें आपके आसपास, प्रदेश, देश और दुनिया की। JMD न्यूज बुलेटिन सुबह 7:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 6 बजे, 8 बजे व 10 बजे। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड, प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। अब डन और आपका रिश्ता होगा और भी गहरा, सिर्फ 299 में लीजिए आनंद अपने मनपसंद चैनल्स का, न्यूज और मनोरंजन के साथ IPL और लाइव क्रिकेट, अनलिमिटेड मजा, सिर्फ
2299 में आनंद साहब से लाइव गुरबानी, लोकल खबरें, भोजपुरी गाने व फिल्में सिर्फ 299 में। ऑफर का लाभ उठाएं, अपने 10 लोकल केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। द पावर ऑफ स्पीड। द जॉय ऑफ अनलिमिटेड। द वैल्यू फॉर मनी। एक्साइटल फाइबर लाया इंटरनेट सर्फिंग का शानदार अनुभव। एक्साइटल का दमदार पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेट ऑफर सिर्फ 470 रुपए में 300 Mbps अनलिमिटेड डाटा, गीगाबाइट डिवाइस के साथ इंस्टॉलेशन पाएं सिर्फ 2500 में, डिवाइस वापसी पर 2000 रुपए पाएं वापस। 300 Mbps तक की स्पीड, अनलिमिटेड डाटा, न बफरिंग का झंझट, न आंधी तूफान का डर। अधिक जानकारी के लिए अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या करें कॉल 011-33-44-77-88 पर। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल, कैसा रहेगा आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 बजे ज्योतिष चक्र में जेएमटी न्यूज पर। ग्रैंड कीथ होटेल्स, कंफर्ट, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज हम जान रहे हैं काल भैरव के बारे में, उनके रूप के बारे में। पंडित जी, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या महत्व है इनका, कैसे इनको प्रसन्न किया जाए, क्या विधि विधान है। काल भैरव का एक पक्ष आपने अभी जाना जी। जिन लोगों की रुचि लय में है, लय के देवता जी। आपने संगीत में दो शब्द जरूर सुने होंगे, राग का शब्द और रागनी का। राग और रागनी जी, बिल्कुल। कहां से शब्द भैरव से ही हुए, भैरव राग और भैरवी रागनी जी, बिल्कुल। ये दोनों इन्हीं से निकले हुए शब्द है जी जी। और दोनों का समय अलग अलग है, एक समय में दोनों नहीं गाए जा सकते जी। संगीत के प्राण है ये, भैरव की उपासना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप भी महान संगीतकार भी बन सकते हैं और गायन से वो बहुत प्रसन्न होते हैं, लय से बहुत प्रसन्न होते हैं, नदी के किनारे बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रकृति के देवता है। ऋणात्मक ऊर्जा जितनी भी है सबकी सब समाहित कर लेते हैं। शमशान इनको बहुत प्रिय है जी, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। अगर शरीर है तो शमशान जाएगा ही, चाहे आप दफनाए जाएं, चाहे आप जलाए जाएं, चाहे आपकी जल समाधि हो, किसी न किसी के माध्यम से। तो इस संबंध का क्या है जी? आपकी जिंदगी में लय रहे, आपकी जिंदगी में जो है जीने की ललक रहे। आज करोना है, आप भयग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं जी। अभी मैं कल ही परसों अखबार में देख रहा था कि एक अधिकारी रिटायर होने के बाद में सुबह टहलने गए, घर से भाग चले गए, पूरा घर परेशान है क्योंकि वो डिप्रेशन में आ गए। किसी मीडिया के व्यक्ति ने हमको भी फोन किया कि आप कुछ कर सकते हैं, डिप्रेशन आने से पहले तो हम आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको डिप्रेशन ना हो। और डिप्रेशन में अब आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो दुर्घटना तो हो ही गई ना, अब उसको कैसे रोकें जी। तो डिप्रेशन से और भय से मुक्त का जो देवता है वो काल भैरव है। आप उनकी पूजा करिए ना, आपको हमने मंत्र बताया, सामान्य तरीके से
आप उपासना करिए, देव को आस्था और मंत्र में की जो ऊर्जा है वही रिश्ता है हमारे मनुष्य का और देव के बीच का। मार्ग वही है और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वर्तमान में आप जीना सीख लें और भय मुक्त होकर के उनकी उपासना करना शुरू करें, निश्चित रूप से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। जी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 18 सितंबर। जी सवाल क्या है? बेटी की शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। जी पंडित जी, मंगला गौरी का पूजन आप करें, आपकी बेटी मंगला गौरी के पूजन करें। अभी उसकी 20 अप्रैल तक शादी हो ही नहीं सकती और 20 अप्रैल से अगले 20 अप्रैल के बीच में हर हालत में शादी हो जाएगी। आप करके तो देखिए मंगला गौरी को। जी तो कब तक नहीं हो सकती ये भी पंडित जी ने स्पष्ट बता दिया है, तब तक आप बिल्कुल परेशान ना रहें, और कब तक हो जाएगी ये भी क्लियर। और इस बीच आपकी क्या भूमिका है, आपको क्या करना है, ये भी स्पष्ट हो चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी बेटी के विवाह के लिए। पंडित जी, जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं काल भैरव को, हम समझ रहे हैं कि तमाम पक्ष आप समझा रहे हैं, भगवान शिव से किस तरह से और कितने अलग हैं काल भैरव? उनका ही रूप है जी, अलग अलग कहानियां उनके साथ जुड़ी हुई है। वास्तविकता ही है जो उनका सौम्य रूप है, अवगढ़ रूप है, वो शिव है जी, और जो रौद्र रूप है वो महाकाल भैरव है। उनका ही स्वरूप है, उनकी ही दो पार्ट है। हमारा अकेला धर्म ऐसा है कि हम किसी भी मार्ग से चलें जी, लेकिन चलने की आप में ऊर्जा होनी चाहिए, चलने की आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। इतना आसान किया गया है हमारे जी। रौद्र रूप की भी अगर हम पूजा करते हैं तो भी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मन में आप कहो कि हम सत्य की खोज के लिए निकल पड़े हैं, सत्य क्या है, भगवान शिव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, देव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, या ही हमारी मानसिक कल्पना है। ये भटकाव को रोकने के लिए सारी चीजें की गई हैं। इन सारे सत्य तत्व को आप स्वयं जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझा सकते जी। हम कहेंगे आपके समझ में नहीं आएगा, आप पुस्तक पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप जब शरण में जाएंगे और आपको जब बोध होगा तो आप सत्य की खोज को पा लेंगे और सत्य ही परमात्मा है। देखिए हर कोई किसी ना किसी कामना के साथ ईश्वर की उपासना करता है। आपने इस बात को स्पष्ट किया कि कभी कभी किसी शत्रु के नाश के लिए या फिर अपने सुख के लिए या फिर सत्य की तलाश में हम ईश्वर की आराधना करते हैं। आम गृहस्थ जो होता है वो निश्चित तौर पर इतना ज्ञान तो नहीं होता, लेकिन इतना जानता है कि हमारे परिवार के लिए क्या बेहतर है और वो उससे प्राप्त हो, यानी कि लाभ की प्राप्ति हो। क्या गलतियां हम कर जाते हैं पूजन के दौरान? ऐसी कौन सी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसके चलते हम पथ भ्रमित हो जाते हैं और लाभ की बजाय नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, जैसा कि आपने? हम देवी की पूजा करते हैं जी और माँ को गाली देते, पत्नी को गाली देते, बिटिया से झूठे बर्तन धुलवाते, उल्टा सीधा बोल देते हैं। काहे के देवी की पूजा जी, किस बात की देवी की पूजा? देवी का स्वरूप अलग अलग तरफ से कहा गया है कि 10 वर्ष की कन्या पूजनीय होती है, उसको देवी की तरह से उसका आदर करिए, देवी के तरह से उसका पालन पोषण करिए, आपके घर में
कभी दरिद्रता नहीं आएगी जी। कई बार जब बेटी कहती है कि मां हमको गालियां देती है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारा समाज कहां जा रहा, कितना विकृत होता चला जा रहा। जब आपका पाणग्रह संस्कार होता है तो पत्नी नहीं होती है, धर्म पत्नी होती है जी। और उसको कहते हैं हमारी गृह लक्ष्मी है। प्रवेश पर उसके लात माने जो उसका पैर होता है उससे जल और अनाज बिखेरा जाता है कि हमारे यहां ऋणात्मक चीजें हम पैर से बिखेरते हैं और धनात्मक चीजें घर के अंदर है। हम स्वागत तो उसका ऐसा आरती उतार के करते हैं, सास भी आरती उतारती है, ननद भी उतारती है प्रवेश द्वार पर जी जी। और उसके बाद में वो उल्टा हो गई, क्या हो गई है? आप सम्मान दीजिए उसको, मस्तिष्क को सही तरह से दिशा निर्देश करिए, उसके लिए स्वयं का आचरण सही होना चाहिए। मेरे भी दो बहू हैं और 20-20 साल से साथ ही रह रहे हैं हमारे साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमको नाश्ते के लिए मुझे कहना पड़ा हो। अगर मैं सवेरे 4 बजे भी जा रहा हूँ, उन्हें पता है, तो हमारे कमरे में आ गया होगा। पति उनके वली सो रहे हों जी, तो ये आपको संस्कार देने पड़ेंगे। आज के युग में भी संस्कार देने पड़ेंगे, आज के युग में भी बच्चे अच्छे होते हैं। आप अपने को भी तो ठीक बनाइए, आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? पहला शब्द यह है कि आप घर को मंदिर बनाकर रखिए, आदमी को पूजा की चीज नहीं बनाइए, पूजा के भाव उत्पन्न करिए कि हमारे मन में आदर हो, हमारी सास ऐसी है, हमारे देवर ऐसे हैं, उनके प्रति आपके मन में आदर हो। जब आपके मन में आदर होगा, सामने वाला प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्रिया होती है जी, जी। आपके मन में ये होगा कि इसकी थाली में ज्यादा नमक डाल दें तो जब आप खाना खा रही होंगे तो आपकी थाली छूट जाएगी, आपकी थाली में बाल आ जाएगा, आपकी थाली में कंकड़ आ जाएगा। रोज करके देख लो ना, समझ के फेर है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर समझ तो घर जी, को जी। जब आप देवता का स्वरूप बना देंगे, देव तुल मंदिर बना देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप भगवत कृपा भी आपको सीधी सीधी होती। हमने महालक्ष्मी के उस पर्व में तमाम चैनलों पर कहा था, लक्ष्मी ने तमाम ग्रंथों में कहा कि मैं केवल उसी घर में जाती जहां वाणी की दरिद्रता नहीं है, घर की स्वच्छता है, जहां माता पिता को आदर दिया जाता, जहां पर नारी का सम्मान किया जाता, मैं उसी परिवार में जाती। यद्यपि आज की तारीख में ऐसा बहुत सच नहीं है जी। तमाम परिवारों में लक्ष्मी अपार वर्षा हो रही है और उनके घर में तमाम स्कैंडल हो रहे हैं जी जी, नारी से संबंधित, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं और सवाल करें। हेलो हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरी जानकारी पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को दी, लाभान्वित किया, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और काल भैरव की आप पूजा करें जी, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप जब किसी की पूजा करते हैं तो निरर्थक कभी नहीं होती है जी। आप किसी को सम्मान करते हैं वो कभी थप्पड़ नहीं मारेगा, आशीर्वाद देगा, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो। आप सबको नमस्कार। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए ज्योतिष लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।